अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नाइसिन वाइटमिन को। ये भी एक वाटर सोल्यूबल वाइटमिन है पहली बात। दूसरे नंबर पर इसके आपको नाम जो आने चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको आप वाइटमिन B3 भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये कि ये प्लेगरा प्रिवेंटिव होता है, एक प्लेगरा डिजीज होती है जिसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि नाइसिन की सिंथेसिस के लिए एक अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ठीक है। इसकी सिंथेसिस के लिए जो है आपको ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत भी पड़ती है। ये है अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन याद रखिएगा, सिर्फ एक ये नाइसिन ही ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत, नाइसिन एक वाइटामिन है जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए एक अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, इसको आप ट्रिप्टोफैन कहते हैं। अब ये ट्रिप्टोफैन या तो नाइसिन की सिंथेसिस करवाएगा या कोएंजाइम्स की इसकी सिंथेसिस करवाने में रोल प्ले करेगा। अब हम आते हैं नाइसिन के कोएंजाइम की तरफ। सबसे पहला नंबर पर जो हम चीज डिस्कस कर ली वो हमने इसके नेम्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने इसकी इम्पोर्टेंस देख ली जिसमें हमने कहा कि ये ट्रिप्टोफैन की जरूरत पड़ती है इसको एक्टिविटी के लिए, इसको आप यहाँ MCQ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो आता है तीसरे नंबर पर वो आपने याद रखना है कि इसके कोएंजाइम्स कौन से हैं, ठीक है। कोएंजाइम्स इसके दो कोएंजाइम्स आपने याद रखने हैं, एक है NAD+ और एक है NADP+। ये आपने दो इसके कोएंजाइम्स भी याद रखने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, नाइसिन की केमिस्ट्री क्या है। हम नाइसिन की केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री ऑफ नाइसिन क्या है कि इसने जो है पाइरिडीन, नाइसिन जो है एक पाइरिडीन डेरिवेटिव है, पहली बात। It is a pyridine derivative. Plus, जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर आप नाइसिन के अंदर अमाइड ऐड करते हैं, मतलब कि अमाइड ग्रुप ऐड करते हैं, तो या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाइड फॉर्म ऑफ नाइसिन को आप क्या कहते हैं, इसके दो नाम हैं, या तो आप इसको कह लें नाइसिनमाइड या आप इसको कह रहे हैं निकोटिनामाइड। ये दो अपने नाम याद रखें, ठीक हो गया। ये आपकी केमिस्ट्री यहां तक डिस्कस हो गई है। उसके बाद हम जो देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि जो इसके कोएंजाइम्स हैं इनकी फुल एब्रिवेशन क्या है, फुल इनकी जो इनको अगर आप ये तो इनकी एब्रिवेशन फॉर्म है ना, तो इसको अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो NAD है उसको आपने याद रखना है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब दूसरा जो NADP+ है इसका आपने याद रखना है कि निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। बस एक फॉस्फेट ग्रुप का इसमें आपने एडिशन करना है तो इसका नाम उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देना है NAD के नाम में, ठीक है। तो वो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है क्या। अब आपने इनके नेम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन के साथ साथ आपको नाइसिन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को हमारी। अगर आप 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो वो 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन के इक्वल होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम्स उसके जो कोएंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए बड़ी ज़रूरत होती है इसकी। तो हम इसको इधर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन लेते हैं वो इक्वल होता है कितने, 60
मिलीग्राम्स ऑफ ट्रिप्टोफान। ठीक हो गया। तो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा कि जो नाइसिन है और ट्रिप्टोफान है, ये दोनों मिलकर जो है नाइसिन के कोएंजाइम की सिंथेसिस करते हैं। इसके बगैर नाइसिन के कोएंजाइम जो है वो नहीं सिंथेसाइज हो सकते, या तो बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी ही रहेगी, क्योंकि नाइसिन और ट्रिप्टोफान दोनों की, अगर आपके पास ट्रिप्टोफान ज्यादा है नाइसिन है ही नहीं, तो फिर भी आपके कोएंजाइम्स की सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है कि आप इसको बायोकेमिकल फंक्शंस इसके कैसे इन्वॉल्व होगा, ये बायोकेमिकल फंक्शंस वगैरह में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी बायोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, ओके। अब तक हमने क्या देख लिया, इसकी कोएंजाइम्स देख लिया, केमिस्ट्री देख ली, ये चार चीजें हमने देख ली। ठीक हो गया। अब जो हम देख रहे थे नाइसिन के बारे में, आपने जो याद रखना है वो ये भी है कि इसकी जो NADP प्लस है और NADP पॉजिटिव है, मतलब NAD प्लस और NADP प्लस है, इन्होंने एक डिग्रेडेशन के बाद जो है इन्होंने वो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है यूरिन में एन मिथाइल निकोटिनामाइड फॉर्म में। ठीक है, ये इनकी एक्सक्रीटरी फॉर्म है। एक्सक्रीटरी फॉर्म का आपको पता होना चाहिए, पहले एक्सक्रीटरी फॉर्म देख लें। हमने कहा कौन सी है, एन मिथाइल निकोटिनामाइड। एक बार रिवाइज में कर देता हूँ क्या कहा मैंने, इसमें मैंने कहा है कि जो आपके NADP प्लस है और NAD प्लस है, जब इनकी सिंथेसिस हो जाएगी नाइसिन और ट्रिप्टोफैन से मिलकर, तो वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी नॉन डिग्रेडेड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, जिसको आप निकोटिनामाइड कहते हैं। निकोटिनामाइड में इसने कन्वर्ट होने के बाद उसने आगे इसमें कन्वर्ट होना। ठीक है, ओके। अब हम इसको देखते हैं कि आप किस तरीके से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, किस तरह NADP पॉजिटिव और NAD बनता है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अच्छा जी, डाइट में जब आप कुछ खाते हैं, ठीक है, उसमें थ्री टाइप्स के आपके पास डाइट है, डाइट आपने ली, या तो वो किस फॉर्म में होगी, निकोटिनामाइड की फॉर्म में होगी, या वो किस फॉर्म में होगी, वो नाइसिन की फॉर्म में होगी, या ट्रिप्टोफैन भी ऑब्टेन होगा। अब अगर इनमें से एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, सपोज निकोटिनामाइड प्रोड्यूस हो रहा है, उसने नाइसिन में कन्वर्ट होना है, तो वो क्या होगा, डी अमाइनेज होगा। ठीक हो गया, मतलब डी अमाइडेज होगा, इसका अमाइड रिमूव होगा तो वो नाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ये नाइसिन अमाइड भी कहते हैं इसको आप। तो जब इसको निकोटिनामाइड के अंदर आप जो है वो डी अमाइडेज ऐड करते हैं, डी अमाइडेज, तो वो नाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नाइसिन ने आगे ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाना, अगर ट्रिप्टोफैन में आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक हो गया, वो हमने देख लिया कि 1 ग्राम जो है वो 1 मिलीग्राम जो है वो 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन के इक्वल है। अब आप आते हैं जी, नाइसिन को आपने किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया, आपने जो है निकोटिनामाइड से सीधा डायरेक्ट, आप इतना याद रखें कि ये सीधा डायरेक्टली नीचे तक जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो NA ऐसे याद रखिए, NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो इसकी फॉर्म्स बनी है, इन दोनों ने जाना है इस निकोटिनामाइड के पास। ठीक है,
इन दोनों ने जाना है सीधा उसके पास, ठीक है। और निकोटिनामाइड ने आगे इसको डिग्रेड कर देना है इनटू एक्सक्रीटरी फॉर्म, जिसको आप एन मिथाइल निकोटिनामाइड कहते हैं, ठीक हो गया। और जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ट्रिप्टोफान का, बस इतना ही आपने याद रखना कि ये जो लाइसिन है ये ट्रिप्टोफान के साथ मिलेगा और इसमें जो है वो आगे रोल प्ले करने एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपी पॉजिटिव की फॉर्मेशन। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म जिसके जरिए आप जो है लाइसिन की जो कोएंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन को और उनकी एक्सक्रीटरी फॉर्म को शो कर सकते हैं। ये हमने कहा था ये कौन सी फॉर्म है, एक्सक्रीटरी फॉर्म, ठीक है। और ये हमने कहा था इसकी अमाइड फॉर्म है, ये हमने कहा था अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये दोनों हमने कहा था ये है को इनसाइम्स, ठीक हो गया। ये आपका ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन में ऐसे जो आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम इसमें को इंजाइम्स के फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या चीज है। ओके, अब तक हमने क्या देख लिया, इसकी हमने बायोसिंथेसिस देख ली। अब छठे नंबर पर हम देखेंगे इसके बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन में पहला फंक्शन जो इसका बायोकेमिकल फंक्शन है उसमें पहला फंक्शन जो आपको आना चाहिए वो है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब सीधा रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इसने ऑक्सीडो रिडक्टेज जो इंजाइम्स होता है वो इंजाइम्स जो एक मिनट, अच्छा अब हम बताते हैं कि इसका दूसरा रोल क्या है कि जो इंजाइम्स हैं वो इंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये इंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, मतलब ये ऑक्सीडो रिडक्टेज को भी अपनी एक्टिविटी के लिए एनएडीपी और एनएडी प्लस की जरूरत पड़ती है, ये जिसके कोएंजाइम्स हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कार्ब्स एंड प्रोटीन्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म कार्ब्स लिपिड्स प्रोटीन्स, ठीक हो गया। अब जो आपके पास लास्ट में पता होना चाहिए वो है एंड जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, अब ये जो इसके कोएंजाइम्स हमने पढ़े हैं हमने कहा ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हो गया एनएडीएच और एनएडीपीएच में कन्वर्ट जब होगा तो इसने जो है सॉरी हम एक चीज पहले भूल गए हैं, ये आ चुकीगा, जब हमने कहा एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपी पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है तो ये है उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इनको उसने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है एनएडीएच और एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर लेना है, ये क्या है रिड्यूस्ड है, ठीक हो गया, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपको बताना चाहिए कि एनएडीएच और एनएडीपीएच का क्या रोल है। अब NADPH सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि NADPH बायोसिंथेटिक रिएक्शंस वगैरह में इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो NAD है DH वो ATP जनरेट करने में बहुत रोल प्ले करता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना ये उसके अंदर रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर
क्या प्रोड्यूस करेगा? एटीपी प्रोडक्शन में इसका रोल है। सो ये आपके हो गए इसके बायोकेमिकल फंक्शन। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ये देख लिया हमने। ऑक्सीडोरिडक्टेज जैसे एंजाइम्स को इसकी अपनी एक्टिविटी के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के लिए बड़ी जरूरत पड़ती है। और एनएडीपीएच और एनएडीएच जो है इनका रोल देख लिया, जो इसकी रिड्यूस फॉर्म है। ये जो एनएडीपीएच है इसमें बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए यूज होना होता है, और एनएडीएच जो है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी सिंथेसिस कर लिया। अब हम आते हैं जी आरडीए पर। आरडीए आपको पता होनी चाहिए कि इसकी आरडीए जो है वो एक बंदे को, एडल्ट ह्यूमन को 15 से 20 मिलीग्राम जो है वो नाइसिन रिक्वायर्ड होता है अपने बॉडी की। रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ हमने क्या देख लिया? बायोकेमिकल फंक्शन देख लिए। 7 नंबर पे आरडीए है, आरडीए। बस आपने इसके लिए जो याद रखना है वो ये है कि इसकी जो है वो 15 से 20 मिलीग्राम जो है रिक्वायरमेंट होती है पर डे एक एडल्ट ह्यूमन के लिए। और जो बच्चे हैं चिल्ड्रन के लिए आपको पता होनी चाहिए, ये किसके लिए थी? एडल्ट के लिए। और जो चिल्ड्रन है 10 से 15 मिलीग्राम चाइल्ड के लिए रिक्वायरमेंट। आप इसको नाइसिन इक्विवेलेंट में भी जो है वो ले सकते हैं। 1 नाइसिन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन और 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन के इक्वल है। आप इसको नाइसिन इक्विवेलेंट्स में भी ले सकते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि नाइसिन इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल है, तो 1 नाइसिन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 नाइसिन इन मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन। ठीक हो गया, ऑफ 10 नहीं 60 मिलीग्राम, क्योंकि हमने कहा कि वो 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन है तो 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन के। ठीक है, अब आपके पास जो आती है वो डायट्री सोर्सेज। डायट्री सोर्सेज आपको पता होना चाहिए कि आप उनको मीट, एग्स, वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर ले सकते हैं, या लिवर या यीस्ट वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, सलाद्स, ग्रेन्स के अंदर। देखते हैं इसके डायट्री सोर्सेज। दो टाइप के होते हैं सोर्सेज, एक जो है वो फास्ट रेट पे होते हैं, मतलब कि उनमें बहुत ज्यादा आप ऑप्टेन कर सकते हैं नाइसिन वगैरह। उसमें आपके पास आया था लिवर, यीस्ट, ग्रेन्स, सीरम्स वगैरह। और एक वो दूसरे होते हैं जो मॉडरेट अमाउंट में होते हैं, जैसे मीट आ जाता है। उसके अलावा आपके पास जो है वो वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हमने कहा कि अब हम देख लिया था कि 1 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन इज इक्वल टू 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन देख लिया था। अब हमने कहा कि ट्रिप्टो, ये लाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि जो ट्रिप्टोफैन है वो कम्प्लीटली नाइसिन को रिप्लेस नहीं कर सकते। नाइसिन भी हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। अगर नाइसिन की अमाउंट कम हो गई, ट्रिप्टोफैन की अमाउंट बढ़ गई है, सपोज ये हम कहते हैं कि 1 मिलीग्राम जो नाइसिन 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन के इक्वल है, तो जो ट्रिप्टोफैन है अगर वो पूरा रिप्लेस कर दे नाइसिन को, तो फिर उससे तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो हमें पता चलना चाहिए कि जो नाइसिन है, नाइसिन की भी जरूरत चाहिए, उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। नाइसिन जब तक अगर पूरा खत्म हो जाए नाइसिन, तो हमारी बॉडी में नाइसिन की सिंथेसिस जो उसकी डेफिशिएंसी कॉज करेगा, जिसकी वजह से डिजीजेस होंगी। ठीक है, और इससे कोएंजाइम्स वगैरह की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ट्रिप्टोफैन के साथ साथ नाइसिन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इक्वली इनकी अमाउंट चाहिए होती है। ओके, अब जो आपको पता होना चाहिए, अब ये हमने देख ली इसकी आरडीए भी देख ली और इसके हमने डायट्री सोर्सेज भी देख ली। अब हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। इसके डायट्री सिम्टम्स क्या है? हमने कहा कि ये प्लेगरा प्रिवेंटिव है। ठीक है, प्लेगरा प्रिवेंटिव। तो अगर आपके पास इसकी अमाउंट कम हो जाए, नाइसिन डेफिशिएंसी, हमने कहा ये प्लेगरा प्रिवेंटिव है, तो अगर ये जो है इसकी अमाउंट कम हो जाए तो प्लेगरा बढ़ जाएगा। जैसे देखिए नाइसिन की अमाउंट कम हुई, प्लेगरा
बैठेगा। अब प्लेग्रा का आपने याद रखना है कि इसने इन्वॉल्व होना था जीआईटी में, तीन चीजों में इसने इन्वॉल्व होना है, इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। प्लेग्रा का रोल स्कीम में, जीआईटी में, और ये जो आपकी ब्रेन है जो सीएनएस है उसके अंदर इसने इन्वॉल्व होना। अब आप इसको याद रख सकते हैं कि प्लेग्रा के सिम्टम्स जो है वो रेफर्ड होते हैं 3D से। आपने इसके सिम्टम्स जो प्लेग्रा के हैं वो कैसे याद रखने हैं, ये इसका तरीका बहुत आसान है। सिम्टम्स 3D है, कैसे याद रख सकते हैं आप कि देखिए स्किन है, स्किन के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो है डर्माटाइटिस, डी से है तो डर्माटाइटिस याद रख लीजिएगा, डर्माटाइटिस। दूसरे नंबर पर जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, तो उससे क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दूसरी होगी डायरिया। इसमें लूज मोशन हो सकते हैं, म्यूकस वगैरह भी सिक्रीट हो सकता है, और उसके अलावा लूज स्टूल आ सकते हैं ब्लड और म्यूकस के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन के रिलेटेड है, तो इससे डायमेंशिया हमने एक डिजीज पढ़ी थी उसमें ये वो कॉज करता है, डायमेंशिया, ठीक है, डायमेंशिया हो सकता है। डर्माटाइटिस क्या है कि सनलाइट वगैरह को एक्सपोजर नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से हो रही है डेफिशिएंसी, ठीक है। अब प्लेग्रा कॉमन किन पीपल में होता है, जो ज्यादा कॉर्न और मेज वगैरह को यूज करते हैं उनके अंदर ही ज्यादा प्लेग्रा होता है, कॉर्न स्टेपल फूड्स। ये ऐसे नहीं याद रखे, अब याद रखें कॉर्न और मेज जो है ईटिंग पर्संस में होते हैं, ठीक हो गया। ये आपकी हो गई जी डेफिशिएंसी सिम्टम्स कंप्लीट, समझ आ गई। नाइसिन की कमी, प्लेग्रा ज्यादा हो जाएगा, प्लेग्रा ज्यादा होगा तो स्किन जीआईटी और सीएनएस के अंदर प्रॉब्लम आएगी, सीएनएस में प्रॉब्लम आएगी तो ये तीनों जो है वो इसके सिम्टम्स में अपीयर हो जाएंगे। 3Ds इसके सिम्टम्स याद रखना, स्किन से डर्माटाइटिस में, जीआईटी से डायरिया में, और सीएनएस से डायमेंशिया में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नाइसिन है इसका थेरापेटिक यूज क्या है। बाकी काम भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इसने बायोकेमिकल फंक्शंस वगैरह में इन्वॉल्व होना होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह में। उसमें ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी के लेवल को कंट्रोल करेगा, एएमपी लेवल, ठीक हो गया। अब इसके जो काम है हम वो देखते हैं कि नाइसिन क्या क्या कर सकता है, ठीक है। नाइसिन का सबसे पहला काम ये है कि ये लिपोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा, कैसे, कि ये फ्री फैटी एसिड की डिक्रीज कर देगा सर्कुलेशन में अमाउंट। पहला फंक्शन जो आपको याद होना चाहिए वो ये है, लिपोलाइसिस कम कर देगा, ठीक हो गया। लिपोलाइसिस कम हुई, फ्री फैटी एसिड उसकी अमाउंट भी कम होगी। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि इसने जो है ट्राइग्लिसरॉल टैग सिंथेसिस के अंदर भी रोल प्ले करने की, टैग सिंथेसिस को कम कर देगा, टैग्स की अमाउंट कम कर देगा। तीसरे नंबर पर इसने एलडीएल की अमाउंट भी कम कर देनी और वीएलडीएल की अमाउंट भी कम कर देनी। एलडीएल और वीएलडीएल क्या है ये देखते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और इनको बैड प्रोटीन्स भी कहते हैं, इनकी अमाउंट ये कम कर देगा। चौथे नंबर पर इसने कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी कम कर देनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया। उसके बाद इसने हाइपर लिपोप्रोटोनीमिया टाइप 2 को भी कम करना है, देखे ना, इसने एलडीएल वीएलडीएल को कम कर दिया, कोलेस्ट्रॉल मतलब इसने लिपिड्स को कम कर दिया, लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स, हमने कहा था कि लाइपोप्रोटीन्स की वजह से ये हाइपर लिपोप्रोटोनीमिया होता है, तो वो कहते हैं कि उसकी लेवल को कम कर दिया तो वो ऑब्वियसली वो डिजीज भी कंट्रोल हो जाएगी।
अब आपको इसके मेगा डोजेस क्या बता दूँ, ये तो थे इसके फवायद। अब हम देखते हैं इसके नुकसान। तो अगर इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, एक्सेस में एक्सेसिव यूज में देखते हैं। सबसे पहले ये कि ग्लाइकोजन और फैट रिजर्वायर्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। ग्लाइकोजन फैट डिक्रीज कर देगा। अब क्या है, ग्लूकोज और यूरिक एसिड भर जाएगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन कम हो, ग्लूकोज बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, और इंजाइम्स बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये लिवर डैमेज के खतरा जो है वो बढ़ा देगा। ठीक हो गया, ये आपका यहाँ तक जो है वो नाइसिन के बायोकेमिकल फंक्शंस, जो इसके थेरापीटिकल फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस हो गए, और साथ इसके एक्सेसिव यूज की वजह से जो डैमेज होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अब जो हम देखने जा रहे हैं कि एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपी पॉजिटिव का रोल क्या है, मतलब कौन कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने राइबोफ्लेविन में पढ़ा था एफएडी और एफएडी, एफएडी पॉजिटिव के बारे में हमने पढ़ा था, तो इस तरह हमने इसका भी देखना है, एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपको दो तीन रिएक्शन लाजमी आने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ये किसका रोल है, एनएडीपी का। कार्ब्स में इसका रोल अल्फा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनाइन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में इसका रोल है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपने याद रखते हैं कि लिपिड्स में अल्कोहल को एल्डिहाइड में, एस्टेल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में इसका रोल है। और जो तीसरे नंबर पर है, हमने कहा इसका प्रोटीन में रोल है। प्रोटीन में इतना ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस दो एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एनएडीपी डिपेंडेंट आपको आनी चाहिए। एनएडीपी डिपेंडेंट में आपने याद रखना है कि मिलेट से पाइरुवेट में कन्वर्ट, मिलेट पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए भी एनएडीपी की जरूरत पड़ेगी। और एनएडीपीएच डिपेंडेंट में आपने वो फॉलिक एसिड, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो विटामिन B12 में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो ये याद आपने रखना है कि फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन में जो एनएडी पी एच का रोल है वो क्या है, कि उसने ये जो फॉलिक एसिड है उसको इसने अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट करना है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है। या आप इसको ये कह सकते हैं TH4, या आप इसको कह सकते हैं THF। ठीक है, ओके, समराइज कर लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा वो क्या है। सबसे पहले हमने इसके नाम डिस्कस किए थे कि इसको आप निकोटिनामिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि ये प्लेगा प्रिवेंटिव है, और इसको आप विटामिन B3 भी कहते हैं। उसके अलावा हमने कहा इसकी सिंथेसिस के लिए जो है ट्रिप्टोफान की जरूरत पड़ती है, इसकी कोएंजाइम की सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफान की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा हमने जो देखा वो हमने देखा ये कि इसकी कोएंजाइम एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपी पॉजिटिव, और उनकी फुल हमने फॉर्म देखी थी। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि इसकी केमिस्ट्री में कहे गए पाइरिडीन डेरिवेटिव्स हैं, और इसकी जो अमाइड फॉर्म है इसको आप निकोटिनामाइड कह सकते हैं या नाइसिन अमाइड भी कहते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना कि 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन इज इक्वल टू 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफान, लेकिन ये पूरे तरीके से ट्रिप्टोफान को, ट्रिप्टोफान जो नाइसिन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अगर वो कर दे तो ये डेफिशिएंसी कॉज करेगा और डिजीजेस हो जाएगी और कोएंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। उसके अलावा हमने कहा कि जो एनएडी पॉजिटिव है और एनएडी पॉजिटिव और एनएडी पी पॉजिटिव जो है, ये इन दोनों की सिंथेसिस कैसे होती है, और ये आगे जो है वो निकोटिनामाइड
कि जो एक्सक्रीटरी फॉर्म है वो कैसे कन्वर्ट होता है, और इसके एक्सक्रीटरी फॉर्म को देखा कि मिथाइल निकोटिनामाइड होती है। उसके बाद हमने बायोकेमिकल फंक्शन देखे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम्स वगैरह को इनकी जरूरत पड़ती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह में हमने देखा। उसके अलावा NADPH और NADP NADH जो है इसकी जो फॉर्म्स है इसको ये क्या रोल प्ले करती है, एक जनरेट करता है ATP और दूसरा बायोसिंथेटिक रिएक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद RDA देखी हमने, उसके बाद हमने इसको देखा कि नाइसिन इक्विवेलेंट्स किस तरीके का होता है। तो उसके बाद हम डायरेक्टरी सोर्सेज देखें, डायरेक्टरी सोर्सेज क्या होते हैं, और उसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स में देखा प्लेग्रा कैसे कॉज होती है और उसकी जो है वो सिम्टम्स क्या है। उसके अलावा किन पीपल में ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा थेरेप्यूटिक यूज़ देखें कि इसके फवाइद कौन कौन से हैं और जो इसकी कमी कौन कौन सी चीज़ें कॉज करती हैं, हाँ मतलब कि अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो क्या क्या इसकी जो है वो डेंजरस इफेक्ट्स हैं वो हमने देखे। उसके बाद जो हमने देखा वो ये है कि जो NADP है और NAD+ है और जो NADPH है इनका बायोसिंथेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह में क्या रोल है वो हमने यहाँ देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हमारा नाइसिन ये कम्प्लीट हो गया, अगले वाइटमिन्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।